This channel is for education purpose and we do not recommend you to buy or sell any stocks. Before investing in our predictions, please take advice from your financial advisor. We are not responsible for any of your profit and losses. So वेलकम बैक टू आर चैनल फिनवेस्ट। उम्मीद है आप सभी के ट्रेडिंग डेज अच्छे जा रहे होंगे। अगर नहीं जा रहे होंगे तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपको काफी मदद मिलेगी अपनी ट्रेडिंग स्किल इंप्रूव करने में और अपने जो सही स्टॉक्स हैं उन्हें चुनने में। सबसे पहले तो जो आज के लिए मैंने स्टॉक्स आपको प्रोवाइड किए थे प्रीवियस वीडियो में उनके मैं जो है रिव्यू कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपके लिए कल जो स्टॉक्स अच्छे होने वाले उनकी हम बात कर लेंगे। सबसे पहला स्टॉक था हमारा टाइटन। टाइटन मैंने आपको दिया था यूट्यूब पे। यूट्यूब में देखिए मैंने आपको दो कॉल दी थी, दो कॉल में देता हूँ टेलीग्राम चैनल पे और 400 टू 700 की रेंज में स्टॉक्स में प्रोवाइड करता हूँ व्हाट्सएप में। तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन जरूर हो जाएगा और व्हाट्सएप में हमें कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा अगर आप भी चाहते हैं आपको 400 टू 700 की रेंज में स्टॉक्स चाहिए। और जो 400 टू 700 की रेंज में स्टॉक्स थे उनका भी मैं रिव्यू यहाँ पे कर दूंगा। सबसे पहला स्टॉक था हमारा टाइटन, ये देता मैंने आपको यूट्यूब पे। टाइटन देखिए कुछ रूल्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए थे। सबसे पहला था कि अगर स्टॉक डाउन ट्रेंड या फिर अप ट्रेंड में है तो पहला लेवल ब्रेकआउट आपको छोड़ना है। तो वो कुछ पहला लेवल ब्रेकआउट वो कुछ इस तरीके का दिखता है जो बीच में एकदम डाउन ट्रेंड में हल्का सा उबार आता है जिसमें काफ़ी सारे लोग फंस जाते हैं। तो यही चीज़ है, इसे छोड़ना है, फर्स्ट लेवल ब्रेकआउट छोड़ना है अगर स्टॉक अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड में होगा। तो सेम चीज़ हुई यहाँ पे, हमने जो था पहला लेवल ब्रेकआउट छोड़ा शॉर्ट सेलिंग का। हमारा जो था पहला जो हमारा लेवल ब्रेकआउट था उसमें हमारा एक टारगेट प्राइस यहाँ पे अचीव हो गया था। मैं हमेशा आपको कहता हूँ पहले टारगेट प्राइस के बाद आपको जैसे पहला टारगेट प्राइस अचीव होता है वैसे ही अपना जो है स्टॉप लॉस को शिफ्ट कर दीजिए फर्स्ट टारगेट प्राइस पे, क्योंकि जो आपने अर्न किया है वो आपसे जाएगा नहीं। यहाँ पे आपको बार बार मौके मिलते रहेंगे। उसके बाद क्या हुआ, दूसरी बार इसने बाय साइड का लेवल ब्रेकआउट किया यहाँ पे एट दी एंड में और बाय साइड का एक टारगेट प्राइस इसने अचीव कर लिया। तो हमारा टिमकिन जो मैंने आपको दिया था YouTube पे ही दिया था, इसमें भी आपको जो था मैंने आपको हमारा जो रूल है कि पहला मिनट आपको छोड़ना है जो ट्रेडिंग, आप जब ट्रेडिंग स्टार्ट करें तो जब भी मार्केट ओपन है उसका पहला मिनट आपको छोड़ना है। तो पहला मिनट आपने छोड़ा होगा तो यहाँ पे आपको उस चीज़ का फायदा दिखा होगा, आपको क्लियरली दिखा होगा कि इसमें लेवल ब्रेकआउट हुआ पर उसके बाद जो है हमारा मार्केट हल्का सा डाउन आ गया। तो ये पहला मिनट छोड़ने का आपको यहाँ पे फायदा हुआ होगा। उसके बाद शॉर्ट सेलिंग के साइड में हमारे दो टारगेट प्राइस यहाँ जाके अचीव हो गए थे, शॉर्ट सेलिंग के दो टारगेट प्राइस हमारे यहाँ जाके अचीव हो गए थे। उसके बाद देखिए दोबारा से जब हमारा टिमकिन में लेवल ब्रेकआउट हुआ शॉर्ट सेलिंग का तो इसने आपको कुछ ज्यादा ही पॉइंट्स यहाँ पे दे के चले गया था। तो हमारा वोल्टेज इसमें हमारा जो था, देखिए पहला मिनट आपने छोड़ा होगा तो पहले मिनट में आपको यहाँ पे अगर आप एक मिनट का चार्ट करके देखेंगे तो यहाँ पे इसने 160 पे एग्जैक्ट हमने बाय करने के लिए बोला था इस पे होल्ड लिया। तो उसमें अगर आपने इसे बाय कर लिया होगा, काफ़ी लोग कंफ्यूज में रहेंगे कि बाय करें या ना करें, उनसे ये स्टॉक छूट गया होगा मैं मानता हूँ, बट जिन्होंने बाय कर लिया होगा तो उनको तीनों टारगेट प्राइस यहाँ जाके इजिली अचीव मिल गए थे बाय साइड के। फिर उसके बाद दोबारा से देखिए मैं एक चीज़ बताऊँ कि हमने कहा था आपको जैसे ये स्टॉक जो था यहाँ से कंटिन्यूसली तीन कैंडल स्टिक थी 5 मिनट के चार्ट में इसकी वो डाउन दिखा रही थी और एकदम से ही इसने ये हमारे बाय साइड का लेवल ब्रेकआउट किया। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि पहला लेवल ब्रेकआउट आपको छोड़ना पड़ता है जब स्टॉक डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड में हो। तो ये देखिए ये डाउन ट्रेंड में था तो ये स्टॉक लेवल आपको छोड़ना पड़ेगा, इस चीज़ की आदत डालनी पड़ेगी। हालांकि यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो सकता था बट हर बार आपको प्रॉफिट नहीं होगा, तो ये चीज़ आपने छोड़ी होगी। दूसरी बार में जब लेवल ब्रेकआउट हुआ तब आपने बाय किया होगा। तो ये देखिए यहाँ पे इसने ना हमारा स्टॉप लॉस हिट किया और ना ही हमारा जो था बाय का टारगेट अचीव किया, ये बीच में ही मीडियम में चला। तो इसमें सेकंड जब लेवल ब्रेकआउट होगा तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आपको देखने को नहीं मिला होगा। अगला है हमारा APL अपोलो। इसमें आपको देखिए 120 पॉइंट्स की मूवमेंट अच्छी खासी देखने को मिल गई थी, सॉरी शॉर्ट सेलिंग का जो हमारा लेवल था इसमें शॉर्ट सेलिंग के हमारे तीनों टारगेट प्राइस अचीव हुए थे बिना रुके। यहाँ से हमने लगभग इस पॉइंट पे हमने आपको शॉर्ट सेल करने के लिए बोला था और ये यहाँ तक गया है। हमने आपको शॉर्ट सेल करने के लिए बोला था 1247 पे, आप देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल में आपको इसका लेवल मिल जाएगा। और इसने अपना लो बनाया है 1125 या 26 का और हमने शॉर्ट सेल करने के लिए बोला था 1247 पे, तो 120 पॉइंट्स ही आपको देकर चल गया। अगर शॉर्ट सेलिंग की होगी आपने इसमें तो काफी अच्छा आपको इसमें रिजल्ट मिला होगा। अब हम बात कर लेते 400 टू 700 की रेंज में स्टॉक्स के लिए। सबसे पहला था हमारा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में देखिए हुआ क्या कि ये स्टॉक जो था आपको शॉर्ट सेल करके चलना था यहाँ पे, इसने हमारे शॉर्ट सेलिंग साइड के तीनों टारगेट प्राइस अचीव किए, दोबारा से शॉर्ट सेलिंग का लेवल ब्रेकआउट हुआ। अब देखिए काफ़ी लोगों को यहाँ पे कन्फ्यूजन होगी होगी कि ये अब एकदम से अप ट्रेंड में गया और उसके बाद यहाँ पे आपने लेवल ब्रेकआउट छोड़ा हुआ, तो ये बात ध्यान रखिएगा इसकी प्रीवियस क्लोज से तो ये डाउन ही है और कंटिन्यूसली इतना अप ट्रेंड नहीं दिखाया इसने जितना डाउन ट्रेंड दिखाया। तो इस चीज़ को भी फिगर आउट करना पड़ता है कभी कभार ट्रेडिंग में, कन्फ्यूज मत होइएगा, आप बस एक चीज़ साउंड माइंड से देखिएगा। बट यहाँ पे आप शॉर्ट सेल कर सकते थे, रीजन बीइंग देखिए कंटिन्यूसली ये पहले डाउन आया फिर हल्का ऊपर बढ़ा फिर से एक कैंडलस्टिक इसने डाउन की दिखाई फिर फोर कैंडलस्टिक डाउन
आपकी दिखाई और यहाँ पे हल्का सा होल्ड लिया, 5 यानी कि 5-10 मिनट का इसने होल्ड लिया, फिर ये दोबारा से नीचे आया। तो ऐसे अगला स्टॉक था हमारा टीवीएस। टीवीएस में आज हमारा रिजल्ट बहुत खराब रहा। अगर आपने टीवीएस में शॉर्ट सेल लिया फिर बाय दोनों किया होगा तो आपको लॉस का सामना करना पड़ सकता। फर्स्टली इसने बाय साइड कैसे लिटवा और यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग साइड का अच्छा मूवमेंट ये नहीं दे पाया। बाय साइड के आखिर में जाके एक टारगेट प्राइस अचीव हुआ, बट अगर दोनों साइड के एक बार स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो कोई भी इसमें ट्रेड नहीं लेगा। कि अगला स्टॉक जो था इसमें हमारा ये था, देखिए आपको क्या था स्टॉक, हालांकि हमें जो इसको बाय करके चलना था वो चलना था 685 पे। तो 685 पे आपको इसको बाय करके चलना था। ये स्टॉक जो था ऊपर बढ़ा फिर डाउन ट्रेंड में आया, फिर यहाँ पे लेवल ब्रेकआउट आपका छूटा होगा, 100% गारंटी था आपने छोड़ा होगा, क्योंकि मैंने कहा है कि डाउन ट्रेंड में होगा तो फर्स्ट लेवल ब्रेकआउट आपको छोड़ना, इसलिए ये चीज़ आपने छोड़ी होगी तो ये मैं नहीं गिनूंगा। बाय साइड के तीनों टारगेट पास नहीं, हमारे जो थे जो हमारा रूल है उसके अकॉर्डिंगली इसमें नहीं हुए। फिर मैं आपको बताता हूँ दोबारा से यहाँ पे जाके इसमें लेवल ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे जाके इसने हमारा एक बाय साइड का एक टारगेट प्राइस अचीव किया। अब इसमें रूल जो हमने कहा था आपको शिफ्ट करना है स्टॉप लॉस को, वहाँ पे ये काम आया होगा। उसके बाद शॉर्ट सेलिंग का जब लेवल ब्रेकआउट होगा तो इसमें आपको पहला टारगेट प्राइस यहाँ पे अचीव हुआ, पहले बार में आपका यहाँ पे हो गया था। उसके बाद दोबारा से ये शॉर्ट सेलिंग का जब लेवल ब्रेकआउट हुआ तो इसने आपको काफी अच्छा पॉइंट दे दिया। तो 20 पॉइंट्स अराउंड 20-25 पॉइंट्स इसमें भी आपने इजिली अर्न कर लिए थे। इसमें इंडिया क्लाउ कोशिश में हमारा शॉर्ट सेलिंग साइड जब होने लगा तो एक्जैक्टली इसने बहुत ही डाउन दिखाया और अच्छा ही आपको शॉर्ट सेलिंग में काफ़ी अच्छा इसमें प्रॉफिट हुआ, लगभग लगभग इसमें आपको 30 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ। तो हमेशा मैं वादा करता हूँ कि 10 मिनिमम 10 पॉइंट्स तो आप गेन करेंगे ही 400-700 के रेंज में बाई और शॉर्ट सेलिंग मिला के, तो उससे प्लस 25+ पॉइंट्स आप अर्न कर सकते हैं। डेली की बात मैं कर रहा हूँ तो 10 मिनिमम 10 पॉइंट तो है ही और मैक्सिमम 25+। तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, हमें कॉन्टैक्ट जरूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन जरूर हो जाएगा क्योंकि मॉर्निंग में 2 कॉल्स में वहीं प्रोवाइड करता हूँ। तो अब बात कर लेते हैं कल के स्टॉक्स की। तो चलिए हम बात कर लेते हैं 16 मार्च 2021 की कॉल्स की। सबसे पहले हमने लेवल्स आपके लिए, जो चौथा रूल है हमारा कि अगर स्टॉक गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन होता है तो आपको क्या करना है, वेट करना है 11 AM तक इंटरनेट से बड़े स्टॉक में अपनी गैप रिफिल करने का। गैप रिफिल कैसे होगा स्टॉक का, बाइंग और शॉर्ट सेलिंग प्राइस के बीच में कहीं पे भी वो 1 मिनट का होल्ड लेगा। जब 1 मिनट का होल्ड ले लेगा दोबारा से लेवल ब्रेकआउट करेगा तो आपको क्या कहें लेवल ब्रेकआउट होते हैं उसे बाय या शॉर्ट सेल करना है। यही 4 रूल है आपको ध्यान रखने हैं। चलिए अब मैं लेवल बता देता हूँ कैसे ब्रेकआउट होगा। बाय साइड का लेवल ब्रेकआउट होगा 1437.50 पे, आप इसे बाय करके चलेंगे। टारगेट रहेगा 1442, 1452 और 1465 का। स्टॉप लॉस रहेगा 1422 का। स्टॉप लॉस कैसे हिट होगा, 1421.50 पे आप अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे। रीजन बींग कि अगर कभी कभार ऐसा होता है बाय साइड का है, इस वैल्यू पे आने के बाद स्टॉक जो है नीचे आ जाता है और आप क्या करते हैं बाय कर लेते हैं और आपको जो है स्टॉप लॉस हिट होने के कारण आपको लॉस हो जाता है। दूसरी चीज, स्टॉप लॉस को क्यों नहीं लगाते एग्जैक्ट, कभी कभार इस लेवल पे आने के बाद स्टॉक जो है बढ़ जाता है और आप स्टॉप सिट मान के ट्रेड से बाहर आ जाते हैं, बट जो है आपके तीनों टारगेट वाइज अचीव होकर आपको अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है, तो इसलिए उस लेवल के नीचे आते ही आपको क्या है स्टॉप लॉस सिट मान के ट्रेड से बाहर आना है। सेम शॉर्ट सेलिंग के साइड है, 1419.50 पे आप इसे शॉर्ट सेल करके चलेंगे। टारगेट रहेगा 1415, 1407 और 1395 का। पहला टारगेट प्राइस स्मॉल इसलिए रखता हूँ ताकि अगर बाई चांस स्टॉक मूवमेंट ना दे पाए, जैसे कि टीवीएस में था, हालांकि उसने कुछ ज्यादा ही बेकार मूवमेंट दी, फिर भी अगर स्टॉक मूवमेंट ना दे पाए तो भी आपका पहला टारगेट प्राइस अचीव हो, इसलिए पहला टारगेट प्राइस मैं हमेशा स्मॉल देता हूँ। आपको करना क्या होता है, अपना स्टॉप लॉस सीधा फर्स्ट टारगेट प्राइस पर शिफ्ट करना होता है जैसे ही आपका पहला टारगेट प्राइस अचीव हो जाए। शॉर्ट सेलिंग के साइड का स्टॉप लॉस रहेगा आपका 1435 का, यानी कि 1435.50 पे आप अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे, एग्जैक्ट 1435 पे नहीं लगाएंगे। रीजन मैंने आपको समझा दिया है, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन जरूर हो जाएगा और डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 400-700 के रेंज में। आपने रिजल्ट देख ही लिया है, डेली के हमारे रिजल्ट ऐसे रहते हैं, मिनिमम आपको 10 पॉइंट्स मिल जाते हैं डेली के। आप 400-700 के रेंज का स्टॉक रहेगा तो आप लगा सकते हैं आप कितना डेली का, मान के चलिए मिनिमम 1000 और मैक्सिमम 4000-5000 आप अर्न कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपके इन्वेस्टमेंट पे। तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आखिरी स्टॉक है हमारा जेबी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, जिसे आप बाय करके चलेंगे। सेम रूल रहेगा इसमें भी, टेलीग्राम चैनल में भी और व्हाट्सएप में भी लेवल ब्रेकआउट होने वाले, तो आप बाय करके चलेंगे जब लेवल ब्रेकआउट हो जाएगा 1213 का। टारगेट रहेगा 1218, 1225 और 1235 का। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 1201 का। शॉर्ट सेलिंग का लेवल रहेगा 1200 का। टारगेट रहेगा 1195, 1187 और 1175 का आपका आखिरी टारगेट प्राइस रहेगा। स्टॉप लॉस रहेगा 1212 का। ज़्यादा वीडियो को इसमें खींचेंगे नहीं, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन जरूर हो जाएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को और कमेंट करके जरूर बताइएगा आज आपको कितना प्रॉफिट हुआ। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलता है आपको अगली वीडियो के साथ।